Hello everyone, this is Pragati Rastogi from Meerut College, and today I am going to share some points regarding creating the e-content which is required nowadays in times of COVID-19. So let's begin with creation. So while creating the e-content, the first thing that comes into our mind is the plagiarism issues. We have to take care of the plagiarism issues also. Although we are trying to give some study material to the students, but still we have to take care of plagiarism issues क्योंकि इससे हमें बाद में बहुत परेशानी आ सकती है. तो plagiarism issues से बचने के लिए सबसे पहले तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हम अधिक से अधिक citations का इस्तेमाल करें. कोई भी रेफरेंस जहाँ पर आ रही है हम उसको वहीं की वहीं कोट कर दें, उसी स्लाइड पर उसको दे दें, चाहे हम उसको बिल्कुल बहुत छोटे फॉन्ट में दें, बट हमको साइटेशन देने बहुत ज़रूरी है. दूसरा तरीका है कि पैराफ्रेजिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि टेक्निकल टर्म्स के अलावा बाकी के हम वर्ड्स को अगर हम चेंज कर दें थोड़ा बहुत, तो उससे भी हम प्लैजरिज्म इशूज से बच सकते हैं. तीसरी चीज है कि रेफरेंसेस को लास्ट में हमको जरूर देना चाहिए कि जो आखिरी स्लाइड हम बनाएं वो हम अपनी रेफरेंसेस की बनाएं, और जितने भी हम डायग्राम्स या टेबल्स हम कहीं किसी भी बुक में से लेते हैं वहां से हमको उसका क्रेडिट देना चाहिए, और अगर हम किसी रिसर्च पेपर से लेते हैं या हम नेट से लेते हैं तो हमको उसका वेब आईडी, उसका यूआरएल हमको वहां पर देना चाहिए डायग्राम का या टेबल का, और अगर हम कहीं रिसर्च पेपर से लेते हैं तो उस रिसर्च पेपर की पूरी रेफरेंस हमको डायग्राम के साथ साथ वहीं की वहीं हम लोग को देनी पड़ेगी. तो अलग अलग प्रकार के ई कंटेंट्स होते हैं जिसमें कि सबसे आसान, सबसे कॉमन है वर्ड फाइल. वर्ड फाइल में आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट, जिस तरीके से हम नॉर्मल अपने नोट्स तैयार करते हैं, हमें से बहुत से लोग अपने लेक्चर्स को वर्ड फाइल में तैयार करते हैं, तो सेम वर्ड फाइल हमको रखनी है. हाँ, हम इसमें ये कर सकते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे डॉक्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे तो हम अपना डॉक्यूमेंट जो है रीड ओनली फॉर्मेट में लेकर के आ सकते हैं. रीड और ओनली फॉर्मेट में लेके आने के लिए हमको अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करना पड़ेगा. तो लॉक करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं. यहाँ पर हमें उसके टूल, वर्ड फाइल के टूल बार में हमें सबसे पहले रिव्यूज में जाना पड़ेगा. जब हम रिव्यूज को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग. जब हम रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाएंगे तो हमसे एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस मांगे जाएंगे कि हम हर एक व्यक्ति को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या कुछ को हम इस रेस्ट्रिक्शन से बाहर रखना चाहते हैं. तो ये हमारी अपनी चॉइस होती है. और उसके बाद जब हम इस लास्ट है स्टार्ट एनफोर्समेंट, इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन हमको करना है. तो बेहतर ये रहता है कि हम अपने पासवर्ड्स कहीं हम अपने नोट कर लें क्योंकि हमें भी इतने सारे पासवर्ड्स याद नहीं रहते हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन डू द प्रोटेक्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. दिस इज टेकिंग सम टाइम. सो दिस इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टूल बार में हमको जाना है रिव्यू में. जब हम रिव्यू में क्लिक करते हैं तो हमको राइट में मिलता है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में हमको मिलता है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग. जब हम रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग को क्लिक करते हैं तो एक तो होते हैं फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शंस. फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शंस में केवल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स कोई चेंज नहीं कर सकता है. दूसरा है एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन. एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन में हम एडिट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन हमारे डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है. तो इसमें हम क्लिक करेंगे अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग. तो इसमें फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्रैक चेंजेस, कमेंट्स, फिलिंग इन फॉर्म्स, और हम करेंगे नो चेंजेस या रीड ओनली टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन. एक्सेप्शंस, अगर हम किसी को चाहें कि वो हमारा डॉक्यूमेंट चेंज कर सके तो अगेन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. एक तो है एवरीवन, और या फिर हम कुछ यूजर नेम दे सकते हैं जो कि उसको एडिट कर सकते हैं. और एक है रिमूव ऑल एडिटिंग परमिशंस फॉर दिस यूजर, जिसको अगर हम यूजर नेम देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे. एंड लास्ट इज द स्टार्ट एनफोर्समेंट. यस, स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन पे हम क्लिक करेंगे तो एक पासवर्ड आता है, एंटर न्यू पासवर्ड, विच इज ऑप्शनल. आप चाहें तो करें, ना चाहें तो आप ना करें. तो
मैं यहाँ पर एक पासवर्ड दे देती हूँ 1 2 3 4, और फिर हमको ये पासवर्ड दोबारा से एंटर करना पड़ेगा, तो ये अब हमारा कंफर्म हो जाता है। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट लॉक हो गया है, जिसको कोई भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें परिवर्तन कर पाए और कोई भी इसको कर पाए, अगर ये हम इसको अपलोड कर देते हैं, तो ये जब कोई व्यक्ति डाउनलोड करेगा तो ये केवल रीड ओनली फॉर्म में खुलेगा और इसमें एडिटिंग नहीं हो पाएगी। जो नेट से डाउनलोड करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक ऑप्शन आता है इनेबल एडिटिंग, लेकिन जब हम इसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर देंगे अपनी फाइल को, तो वो वाला ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर हम स्टॉप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो हमें वापस रिव्यूज में जाना होगा, और रिव्यूज में जाकर के हम स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे, हमें वापस अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा जो हमने डाला था, इसको हम ओके कर देंगे और हम एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन वहां से हटा देंगे, और इस तरीके से हमारी जो फाइल है वो वापस पहले की तरह से हो जाएगी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ई कंटेंट इज पावरपॉइंट। पावरपॉइंट जैसे हम लोग काफी लोग यूज करते हैं पावरपॉइंट को, पावरपॉइंट में भी हमें प्लेजरिज्म इश्यूज का ध्यान रखना होगा, और हमें ये ध्यान रखना होगा कि टेक्स्ट हम कम से कम रखें। यहाँ पर हम कोशिश करें कि केवल टेक्निकल टर्म्स हम वहाँ पे लिख करके छोड़ दें और उसके बाद बाकी का हम एक्सप्लेन करें, और हमें ज्यादा एम्फेसिस देना होगा यहाँ पे डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस के ऊपर। हमें अपनी स्लाइड्स को स्ट्रीमलाइन कर लेना चाहिए और ट्रांजिशन इफेक्ट कम से कम रखें, और जहाँ पर हो सके, जहाँ पर संभव हो, वहां पर हमें चार्ट्स और टेबल्स की सहायता लेनी चाहिए, और एक ही सिंगल स्लाइड में बहुत ज्यादा टेक्स्ट कलर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो चार्ट्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली इसके लिए, और स्लाइड मास्टर किस तरीके से यूज करना है, ये एक स्लाइड है, एक ये मेरी पीपीटी है जिसमें हम क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या करा है कि मैंने फाइलम का नाम नीले रंग से रखा है, और उसमें जो सब फाइलम हैं जितने भी, उनको मैंने येलो कलर से डिपिक्ट किया है इस चार्ट में, और आगे तक ये मैंने फॉलो किया है। इसमें जितनी भी सुपर क्लासेस हैं वो मैंने ग्रीन से रखी हैं, क्लासेस को रेड से रखा है, और ऑर्डर्स को मैंने वाइट से रखा है। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि हम चार्ट्स को इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते। इसके अलावा हम एक और तरीका, हम लोग एक चीज और कर सकते हैं कि हम अपनी स्लाइड्स को हम स्ट्रीमलाइन कर लें बाय यूजिंग द स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर के लिए जब हम व्यू ऑप्शन में जाते हैं, तो हमको लेफ्ट से पांचवा जो ऑप्शन है दैट इज स्लाइड मास्टर, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस जो निकल करके आते हैं, ये जो साइड में आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है दैट इज द टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड में हम सबसे पहले टाइटल के लिए हम जाकर के हम उसका फॉन्ट अपने हिसाब से, हम अपनी पसंद का फॉन्ट वहां पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वो फॉन्ट है जो मैं अधिकतर यूज करती हूँ फॉर टाइटल। हम इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी हम चाहें, और साथ ही साथ हम यहाँ से फॉन्ट का कलर भी चूज कर सकते हैं। इस तरीके से करने से क्या होता है कि हमारे आगे जितने भी टाइटल स्लाइड्स होंगी उनमें सब में यही फॉर्मेट फॉलो होगा। इसी तरीके से जो सब टाइटल्स होते हैं उनके लिए हम फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, फिर फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, हम घटा बढ़ा सकते हैं फॉन्ट साइज को, और बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक्स कर सकते हैं, या फिर हम उसका अपर केस, सेंटेंस केस, जो भी केस हम चाहें उसमें हम कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर हम अपने हिसाब से हम चूज कर सकते हैं विद एनी ऑफ दीज, एंड पैराग्राफ सेटिंग्स में जाकर के हम लोग अपने हिसाब से पैराग्राफ सेटिंग्स यहाँ पे रख सकते हैं जो हम चाहते हैं, तो थ्रू आउट हमारी यही पैराग्राफ सेटिंग मेंटेन रहेगी। इसके बाद हम अगले इसी तरीके से हम अलग अलग स्टाइल्स में सेम प्रोसीजर अपनाते हुए हम इसको अपनी एक मास्टर स्लाइड्स हम लोग अपनी तैयार कर सकते हैं, और जब उस टाइप की स्लाइड आएंगी तो आप देखेंगे कि आपको बार बार फॉन्ट साइज या
पैराग्राफ सेटिंग्स, कलर, फॉन्ट का कलर, ये आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। और फिर आप स्लाइड मास्टर में जाकर के इसको आप बंद कर सकते हैं एंड यू विल कम बैक टू योर ओरिजिनल स्लाइड। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द नेक्स्ट थिंग इज द पावर पॉइंट विद नरेशन। पावर पॉइंट विद नरेशन के लिए हमको अगेन इसमें हमको जाना है ऊपर, हमको ऊपर वाले पेन में हमको लेफ्ट साइड से सेवेंथ जो ऑप्शन है हमारा दैट इज स्लाइड शो। हम स्लाइड शो में जाते हैं, हम यहाँ पर रिकॉर्ड स्लाइड का ऑप्शन जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो है रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग और एक है रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड। यहाँ पर मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, जिससे कि हम इसको रिकॉर्ड कर सके, जो मैं बोल रही हूँ वो यहाँ पर साथ के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम इसको रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ये हमारा, ये हम जब हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो व्हाट वी विल डू इज हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं विद सेव एज ऑप्शन। हम अपना कोई भी जहाँ पे हमको ये फाइल सेव करनी है, फॉर एग्जाम्पल फॉर जस्ट नाउ आई एम जस्ट सेविंग इट ऑन डेस्कटॉप। एंड इसमें हम देखते हैं इफ वी हैव सम ऑप्शन रिगार्डिंग वीडियो, विंडोज मीडिया वीडियो, वी हैव दिस विंडोज मीडिया वीडियो, हम इसमें इसको सेव कर लेंगे एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। अब ये धीरे धीरे हमारा सेव हो रहा है। तो बाय द टाइम इट इज सेविंग, तब हमको ये वाली फाइल अपनी दोबारा से हमको ये दोबारा खोल के दोबारा सेव करनी पड़ेगी क्योंकि अब ये चेंज हो चुकी है। तो आई विल हैव टू गो टू माय स्क्रीन एंड let's share this again. So I'll resume the slideshow from here, but this will not work. The next option is PDF file. PDF file बनाने के लिए हमारे पास अगेन दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जो हमारे पास हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, हम उन्हीं को किसी भी एप्लीकेशन से, हम उनको फोन में एप्लीकेशंस होती हैं, अब क्योंकि कैम स्कैनर ऐप तो बंद हो गई है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द एडोबी स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट लेंस। इन दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन यूज करके जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं हम उनको स्कैन कर सकते हैं और उनको फिर सेव कर लेंगे पीडीएफ फाइल के फॉर्म में। अगर आपके पास प्रिंटर है, ऑल इन वन प्रिंटर है, तो वेरी वेल एंड गुड, आप उससे भी अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल और आप उसको फिर शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको नई फाइल बनानी है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि या तो आप एक वर्ड फाइल बना लीजिए या फिर एक पावर पॉइंट स्लाइड बना लीजिए। और दोनों ही केसेस में जब आप सेव एज ऑप्शन में जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है पीडीएफ फाइल का, तो आप दोनों, चाहे वर्ड फाइल को चाहे पावर पॉइंट स्लाइड को, आप सेव एज पीडीएफ कर लीजिए तो यू विल गेट अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट जिसको आप जहां मर्जी आप वहां पे शेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग ई कंटेंट्स इज वीडियोस। वीडियोस में अगेन काफी सारे तरीके हैं। एक तो है रिकॉर्डिंग द चॉक और पेन एंड टॉक लेक्चर यूजिंग फोन एंड या वीडियो कैमरा। इसमें क्या है कि अगर आपके पास पूरा सेटअप है, आपके पास व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है और उसके पास उसके ऊपर आप अपना जो भी जिस तरीके से आप क्लास में पढ़ाते हैं आप अपना पढ़ाते रहिए, तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो एक सेल्फी स्टैंड ला करके आप अपना फोन वहां पे फिक्स कर दीजिए और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर की मदद लीजिए और उसकी सहायता से आप अपने लेक्चर की पूरी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
जो दूसरा तरीका है वो है आप अपना पावर पॉइंट या पीडीएफ फाइल जो आपने बनाई है उसको आप अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप रिकॉर्ड कर सकते। तो सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल है लूम की, www.loom.com। इसमें जब हम जाते हैं loom.com में तो ये एक एक्सटेंशन ऐप है गूगल क्रोम की, और गूगल क्रोम में इसका एक एक्सटेंशन होता है जो आपको गूगल क्रोम में डाउनलोड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको ये इसकी वर्ड इसकी विंडोज एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, देखिए ये यहाँ पे खुल गया है लूम। This has opened. तो जब आप करते हैं, आप न्यू फोल्डर न्यू वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे, आप न्यू वीडियो पे जब क्लिक करते हैं तो ये कहेगा कि विजिट क्रोम स्टोर, आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा क्रोम एक्सटेंशन के लिए। और जब आप इसको डाउनलोड कर देते हैं तो यू कैन हैव द ट्यूटोरियल, आप यहाँ से ट्यूटोरियल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास ये है, आई हैव दिस ऑन माई एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ से इसको एक्सटेंशन को क्लिक करूंगी। आई विल रिमूव दिस। तो मैं इसको क्लिक करूंगी लूम को, एंड मेरे पास ये एक नई विंडो खुल के आएगी। इस विंडो के खुलने पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला ऑप्शन मेरे पास है स्क्रीन प्लस कैमरा, दूसरा है स्क्रीन ओनली, और तीसरा है कैमरा ओनली। तो मैं स्क्रीन प्लस कैमरा पे भी क्लिक कर सकती हूँ और मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगी। जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ तब मेरे पास ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर, आप अपनी एंटायर स्क्रीन करना चाहते हैं या एप्लीकेशन विंडो करना चाहते हैं। तो जो भी कोई एप्लीकेशन अगर सपोज मेरे को करनी है तो मैं एप्लीकेशन विंडो पे जाऊंगी और जितनी भी एप्लीकेशंस मेरी खुली हुई हैं उसमें से मैं अपनी कोई भी एक सेलेक्ट करके, एंड देन आई विल स्टार्ट माय रिकॉर्डिंग, और इसको मैं शेयर करके अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी। तो जितना मेरे को वीडियो अपना रिकॉर्ड करना है, चाहे वो पीपीटी प्रेजेंटेशन का हो या पीडीएफ का हो, मैं अपना रिकॉर्ड करके और उसके बाद यहाँ पर मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूंगी। जब जब भी मैं स्टॉप शेयरिंग करूंगी तो उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, और जब वीडियो रिकॉर्डिंग रुक जाएगी तो ये अपने आप इसको हमारा कन्वर्ट कर देगा एक, अब ये अपना वीडियो हमारा तैयार कर देगा। सो लेट्स सी लूम पे क्या हुआ है फॉर दैट। मेरे को अब ये स्क्रीन शेयर करनी है तो मैं ये लूम की स्क्रीन अपनी शेयर करती हूँ। यहाँ पर ये मैंने शेयर करी है, अब ये जो हमने रिकॉर्डिंग करी है ये यहाँ पर आ गई है, और आप इसको यहाँ पे अपना सेव कर सकते हैं अपने हिसाब से और इसको फिर आप यूज कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर इस तरीके से आ गई हैं। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन ओनली, वापस अपने प्रेजेंटेशन पे ही आ जाते हैं हम। एक और हमारे पास एप्लीकेशन है, दिस इज प्रेजेंटेशन ट्यूब।
I'll start from the current slide only. I'll start this presentation from current slide, and you can see these are some connectivity issues that we face while doing the presentations and all. Still no screen. So, okay. Now the presentation tube. Presentation tube, you can click here. I have this. In my laptop, so I'll share it from there. Let's see. Okay. I'll share it from my screen. Let's see if it is visible. These are my video tools that I have. So this is presentation tube here. You can open this. Okay. You can download it from the internet and you can use it. This is a desktop app. So this will open like this. Here, आपको यहाँ पे क्या करना है? आप यहाँ पे अपना resolution set कर सकते हैं. और camera आपको on करना पड़ेगा. उसके बाद आपको जो भी presentation आप करना चाहते हैं, तो आपको उसकी slides यहाँ पर you will have to select the slides and इसको आपको खोलना पड़ेगा जो भी presentation आप देना चाहते हैं उसको. इसके लिए mandatory है कि आप PPT slides आप बना लें या PowerPoint presentation अपना बना लें. And इस समय क्योंकि इसमें बहुत सारी slides हैं, अभी ये slides import कर रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास option है. एक तो slide only का option है जिसमें केवल slides दिखाई देंगे, दूसरा केवल camera का option है, आप केवल camera कर सकते हैं, तीसरा है cam decide. तो हम normally कैम डिसाइड द स्लाइड्स हम यूज करते हैं, तो इसमें आप भी दिखाई देंगे और आपकी स्लाइड्स भी दिखाई देंगे. तो आप यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट प्रेस कर दीजिए, ये कुछ टाइम देगा आपको, एंड देन स्ट्रेट अवे यू कैन स्टार्ट विद योर रिकॉर्डिंग. और जब आपको किसी वजह से मान लीजिए आपको बीच में रुकना है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं बीच में अपने प्रेजेंटेशन को. और अगर सपोज कीजिए कि आपको कंटिन्यूअस करना है, आप अपना काम करके वापस आ गए, तो आप इसको रिज्यूम कर दीजिए. और जब आपको बंद करना है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं. और इसमें आपका वीडियो जो है वो प्रोसेसिंग हो करके आपको जहां वो सेव करना है, मुझे क्योंकि ये वीडियो सेव नहीं करना है, तो मैं उसको कैंसिल कर रही हूँ. सो दिस वॉज माई वीडियो. मैं इसको अभी प्ले कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, लेकिन ये अभी मेरा क्योंकि सेव नहीं हुआ है. तो दिस वे यू कैन यूज प्रेजेंटेशन ट्यूब. इसी में जो अगला है, दैट इज OBS स्टूडियो. OBS स्टूडियो इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन. इसमें भी आपको तीनों ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसमें यू विल गेट ऑल द थ्री ऑप्शंस कि आप इसमें केवल कैमरा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, केवल स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप अपनी और आप अपना केवल वेब कैम से भी कर सकते हैं. आप दोनों चीजें भी साथ में कर सकते हैं. इसमें इस तरीके से विंडो इन विंडो खुल करके आती है. तो आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको दिखाई, एक तो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे सीन्स, आप चूज कर सकते हैं सीन्स. और फिर उसके बाद आते हैं सोर्स. सोर्स में जब आप प्लस साइन प्रेस करेंगे, तो आपको इसमें दो सोर्स करने हैं. एक तो आपको करना है वीडियो कैप्चर डिवाइस, ये ऐड करना है, और उसके बाद फिर आपको विंडो कैप्चर डिवाइस आपको करना है. इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है यहाँ पे. इसके बाद आप कंट्रोल्स में जाते हैं, तो यू कैन हैव द कंट्रोल्स लाइक स्टार्ट स्ट्रीमिंग. अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो
या स्टार्ट रिकॉर्डिंग, जैसे मैं केवल रिकॉर्डिंग करती हूँ बाद में उसको अपलोड करती हूँ, या आप स्टूडियो मोड में जा सकते हैं इस तरीके से, या और आप सेटिंग्स देख सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं आप यहाँ से। तो इस तरीके से जब आप, जब आपको रिकॉर्डिंग करनी हो तब आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दीजिए, और जब आपको खत्म करनी, अब जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी जो भी विंडो आपको खोलनी है वो आप अपनी तैयार रखिए, वो रिकॉर्ड हो जाए, होनी शुरू हो जाएगी, और जब आपको बंद करनी है तो विंडो डाउन अपनी मिनिमाइज करके या बंद करके उसको फिर आप बंद कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग को, वो थोड़ी देर में प्रोसेसिंग होकर के अपनी सेव हो जाती है। तो इसके बाद जब हम वीडियोस बना लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा बहुत हमारा जो एक इनिशियल स्ट्रगल रहता है तो उसको, या एक थोड़ा सा बाद में हमारा कभी कभी एक हो जाता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसके लिए हम एक वीडियो कटर एप्लीकेशन है ट्यून्सकिट वीडियो, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करके और फिर इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं वीडियो कटर ऐप को यूज करने का, भी आई कैन टेल यू द प्रोसीजर। बहुत इजी है कि जब हमारा वीडियो बन जाता है तब हमको ये ट्यून्सकिट वीडियो कटर ऐप जो हम पहले से इंस्टॉल करके रख लेते हैं, इसको हमको ओपन करना है इस एप्लीकेशन को। और इस एप्लीकेशन को जब ओपन हम कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है ओपन का, तो इसको हम ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ, मेरे पास वीडियोस हैं, इनमें से कोई एक वीडियो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एक स्टार्ट टाइम दिया हुआ है। तो आप पहले अपने वीडियो में देख लीजिए कि स्टार्ट टाइम क्या है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और दिस इज आवर, देन मिनट्स, देन सेकेंड्स एंड देन मिली सेकेंड्स। तो इस तरीके से सिमिलरली एंड टाइम है, इसमें मिनट, सेकेंड एंड मिली सेकेंड। तो आप यहाँ पे अपना स्टार्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल आपका 10 सेकेंड का शुरू में वीडियो खराब हो गया है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप जो स्टार्ट करेंगे आप इसको यहाँ पे तो जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। जब आप सेकेंड्स में आते हैं तो यू कैन लाइक, मैंने 3 सेकेंड्स का टाइम दे दिया कि 3 सेकेंड मेरा वीडियो शुरू का खराब हो गया, मुझे वो हटाना है, तो हम 3 सेकेंड से शुरू कर रहे हैं। और सिमिलरली एंड में सपोज कीजिए कि 10 सेकेंड का या 6 सेकेंड का हमारा खराब हो गया है, तो हम यहाँ से अपना टाइम चूज करके और इसको स्टार्ट कर देंगे सिंपली इस एप्लीकेशन को, और हार्डली 1 या 2 मिनट के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। ये आपकी आ गया यहाँ पर, तो जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1, इसको आप डबल क्लिक जब करते हैं तो आपका वीडियो जो आपने एडिट करा है वो आपका खुल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो आपका वहां से खत्म हो चुका होगा, और आप अकॉर्डिंगली अपना वीडियो सेव कर सकते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ पर, ये नए फोल्डर में हमेशा आता है, ये मैंने कुछ कन्वर्ट करे थे आज अपने, सॉरी ट्यून्सकिट वीडियो कटर में, ये ग्लाइकोलिसिस का ये आ गया है, मैं इसको प्ले करूंगी तो जितना पोर्शन मैंने हटा दिया था वो यहाँ से हट चुका है। दिस विल टेक इट्स टाइम इन प्लेइंग सिस्टम का भी, and closing this application now. So ये हमारा वीडियो अब तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड आई होप ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मुझे थोड़ी सी पता थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये सब थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ फॉलो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू।